अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमा। वेलकम टू माय चैनल। एक कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी हाइट को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी फीमेल्स ने ये कहा कि आप ही हम लोग 3 से 6 महीने नहीं लगा सकते, तो हमें कुछ ऐसे टिप्स दें जो कि हम लोग शॉर्ट होने के बावजूद टॉल लगें, स्मार्ट लगें। तो आज की वीडियो में मैं आपको 18, ये तो 10 है, लेकिन मैं आपको 18 ऐसे टिप्स दूंगी जिनसे आप टॉल भी लगेंगे और आप अगर आप थोड़े से ओवरवेट हैं तो आप स्मार्ट भी लगेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो कोई ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है या सिर्फ पाकिस्तानीज के लिए है, क्योंकि मेरी वीडियोस हर कोई देखता है, हर फीमेल देखती है, हर रिलीजन की, हर कंट्री की। तो इसलिए ये वीडियो तमाम फीमेल्स के लिए है जो कि स्मार्ट दिखना चाहती हैं, शॉर्ट हाइट के बावजूद टॉल दिखना चाहती हैं। तो इसलिए प्लीज़ रिलीजन को बीच में लाने से इज्तनाब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रेसेस की, क्योंकि आपको पता है कि ड्रेसेस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पर्सनैलिटी बनाने में मेन रोल अदा करती है। तो ड्रेसेस में अगर आप शॉर्ट हैं तो आपने ये करना है कि आपने खुले ड्रेसेस नहीं पहनने। मैं जानती हूँ कि मार्केट में जब हम रेडीमेड कपड़े लेते हैं तो वो थोड़े से खुले होते हैं, थोड़े से लूज फिटिंग वाले होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के कपड़े लेते भी हैं तो आपने उनको फिटिंग करवा लेनी है, और बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप जो है स्किन टाइट फिटिंग करवाएं या खुद से चिपके हुए कपड़े, लेकिन बस नॉर्मल सी फिटिंग हो। और उसके अलावा अगर आपने फिटिंग नहीं भी करवानी तो आप कोशिश करें कि आप वेस्ट से उनको फिट जरूर करवा लें, यानी कमर से उनको फिट जरूर करवा लें, क्योंकि आपकी हाइट कम होने की वजह से वेस्ट भी थोड़ी सी कम होती है। तो अगर आप थोड़ी सी भी फिटिंग करवा लेते हैं तो आप उसमें बहुत ही स्मार्ट और टॉल दिखेंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी वी नेक। आप कोशिश करें कि आप जो कपड़े लें उनका गला वी नेक में हो, क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि वी नेक से एक तो आपकी गर्दन थोड़ी सी लंबी दिखती है और आपकी कॉलर बोन्स भी नजर आती हैं, जिसका फायदा ये होता है कि आप टॉल नजर आते हैं। जबकि राउंड नेक में जस्ट आपका फेस ही नजर आता है जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा चबी होता है, और हाइट भी क्योंकि आपकी शॉर्ट होती है तो इस वजह से आप ऑटोमेटिकली शॉर्ट नजर आने लगते हैं अगर आप राउंड नेक पहनते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि शॉर्ट लड़कियां वर्टिकल ड्रेसेस, वर्टिकल लाइंस वाले ड्रेसेस लें। अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन है तो आप जो प्रिंट लें वो वर्टिकल लाइंस में हो, क्योंकि जब आप वर्टिकल लाइन में कपड़े लेते हैं तो उसमें आप जो है लंबे भी दिखते हैं, और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा चबी साइड पर जाते हैं तो आप थिन भी दिखते हैं। जबकि अगर आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन वाले कपड़े लेंगे या हॉरिजॉन्टल प्रिंट्स लेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर आप स्लिम एंड ट्रिम भी हैं उसके बावजूद आप जो है थोड़ा सा फैटी दिखेंगे और आप शॉर्ट दिखेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको टॉल दिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वो ये है कि जो भी आप कपड़े पहने कंट्रास्ट इस तरह का हो कि मोनोक्रोम इम्पैक्ट आए। जैसे कि अगर आपने जो है ब्लैक कमीज पहनी है तो उसके साथ आप जो है मैरून शलवार ले सकते हैं, ग्रे ले सकते हैं, इसी तरह से आप जो है ब्लू ले सकते हैं, यानी कि डार्क शेड ले सकते हैं। उससे ये फायदा होगा कि जब कोई आपके साथ आपको देखेगा तो उसको, क्योंकि आपके कपड़े ऑलमोस्ट एक ही कलर के होंगे तो उसकी वजह से उसको ये पता नहीं चलेगा कि ठीक है भाई इसका जो है शर्ट कहाँ तक जा रही है, इसकी चेस्ट कहाँ पर है, इसकी जो है वेस्ट कहाँ है, इसकी टांगे कितनी है। उससे आप जो है उसकी नजर आप पूरे पर पड़ेगी जिससे कि आप उसे टॉल दिखोगे। जबकि अगर आप अलग अलग तरह के प्रिंट्स पहनते हैं तो उससे ये होगा कि एक तो आपका जो है आपकी हाइट प्रोमिनेंट हो जाएगी कि आप शॉर्ट हैं, क्योंकि पता चल जाएगा कि ठीक है ये इसकी शर्ट है, ये इसकी जो है ट्राउजर है, यहाँ तक इसकी टांगे हैं, यहाँ से आगे इसकी शर्ट शुरू हो रही है, इसकी वेस्ट इतनी है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप एक कलर या मोनोक्रोम कलर्स आप पहनें। आजकल आपको पता है कि नी लेंथ के कुर्ते आ रहे हैं, कॉलेज गोइंग लड़कियां हों या ऑफिस गोइंग लड़कियां हों या आप जो है घर में रहने वाली फीमेल्स हों, नी लेंथ के कपड़े आ रहे हैं। तो उसमें यह है कि अगर आपके नी लेंथ के कुर्ते हैं तो उसके साथ आपने खुले ट्राउजर नहीं पहने, क्योंकि उससे आप जो है और ज्यादा शॉर्ट दिखेंगे। तो अगर आप नी लेंथ की शर्ट पहन रहे हैं तो उसके साथ आप कोशिश करें कि आप जो है या सिगरेट पैंट पहने या आप टाइट जीन्स पहने या आप टाइट ट्राउजर्स पहने। इसी तरह एक और रूल ऑफ थंब आपने ये याद रखना है कि अगर आपकी शर्ट खुली है तो उसके साथ आप जो भी ट्राउजर पहनेंगे, शलवार पहनेंगे, वो आपकी फिटिंग वाली होनी चाहिए, आपकी थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। जबकि इसी तरह अगर आपकी शर्ट जो है वो आपको फिटिंग वाली है तो आप उसके नीचे चाहे आप जो है कोई गरारा शरारा टाइप का कुछ पहन लें, आप जो है धोती शलवार पहन लें, आप जो है फ्लेयर्स वाले कपड़े, फ्लेयर्स वाले ट्राउजर पहन लें, फ्लेयर वाली जीन पहन लें, बेल बॉटम्स पहन लें, सब चलेगा। अब हम कर लेते हैं दुपट्टे की बात। तो दुपट्टा आपने हमेशा कंधे पर डालना है, ना कि आप आगे फैला कर लेंगे, स्पेशली अगर आपका बहुत ज्यादा चौड़ा और लंबा दुपट्टा है।
और अगर आपने फैला कर लेना है तो उसमें मेक श्योर करें कि आपने दुपट्टा अपने सीने पर तो इस तरह से फैलाया हो कि आपका सीना तो कवर हो जाए, लेकिन कंधों पर आप इस तरह से नीचे को फैला हुआ नहीं लें, यहाँ पर बस कंधों तक, यहाँ पर आगे आपका दुपट्टा खत्म हो जाए, आगे आपकी चेस्ट कवर हो जाएगी और आपका पर्पज भी पूरा हो जाएगा और आप जो है ओवरवेट भी नहीं दिखेंगे और शॉर्ट भी नहीं दिखेंगे। क्योंकि आपने आप देखिएगा, नोट कीजिएगा कि वो लोग जो कि फैला के चौड़े दुपट्टे लेते हैं तो वो वैसे ही चौड़े दिखते हैं, चाहे वो जितने भी स्लिम हो वो चौड़े दिखते हैं, और अगर उनकी हाइट थोड़ी छोटी है तो वो और ज्यादा छोटी दिखने लग जाती है। तो ड्रेसेस की बात तो हमने कर ली, अब हम बात करते हैं पैंट्स एंड ट्राउजर्स की। तो अगर आप शॉर्ट शर्ट पहनती हैं, जैसे कि आजकल जो है बहुत सी फीमेल जो है शॉर्ट शर्ट्स पहनती हैं या फिर उनकी जो है थाइस तक शर्ट आती है, तो उसके नीचे आपने इंश्योर करना है कि आप डार्क ट्राउजर पहने जो कि जरा बेल बॉटम या फ्लेयर्स वाले हों, ना कि आप स्किन फिटेड टाइट्स पहने या स्किन फिटेड जीन्स पहने। और अगर आप जीन्स पहनती हैं तो शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो जीन्स उनकी इस तरह की हो कि वो आपकी वेस्ट तक जा रही हो, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि आपकी टांगे लंबी लगती हैं। और बैगी जीन्स शॉर्ट हाइटेड फीमेल्स के लिए बिग नो नो होना चाहिए, ठीक है? आप घर में रहते हुए पहने, लेकिन जब आप बाहर जाएं तो आप प्लीज बैगी जीन्स ना पहने अगर आप खुद को थोड़ा सा टॉल दिखाना चाहती हैं और स्मार्ट दिखाना चाहती हैं। आजकल चाहे कोई देसी हो या बाहर रहती हो, बस ये देखा गया है कि स्कर्ट्स का लड़कियों में बहुत ज्यादा फैशन इन है। तो ऐसे में आपने इंश्योर करना है कि आप जब भी स्कर्ट बनवाएं तो वो आपकी ए लाइन स्कर्ट होनी चाहिए, इतनी ज्यादा फैली हुई और फ्रॉक टाइप की ना हो कि आप उसमें सिंड्रेला की तरह ही दिखें। इसी तरह अगर आप पेपलम पहनती हैं या आप फ्रॉक शर्ट पहनती हैं, तो उसमें आपने इंश्योर करना है कि उसके साथ आप धोती या गरारा शरारा नहीं पहने, क्योंकि वो अजीब सा लगता है। क्योंकि एक तो ये है कि आपको पता है कि पेपलम भी थोड़ा सा खुला होता है, इसी तरह से आपकी जो फ्रॉक टाइप की शर्ट्स होती हैं वो भी थोड़ी सी खुली होती हैं, थोड़ी सी फुली हुई होती हैं, साथ में अगर आप धोती वगैरह पहनेंगे तो इसकी वजह से आप और ज़्यादा शॉर्ट दिखने लगते हैं। तो अगर आप जो है पैपलम पहन रही हैं तो उसके साथ सिगरेट पैंट बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह से अगर आप जो है फिटिंग वाला कोई ट्राउजर पहन लेती हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, और फायदा ये होगा कि आपकी लेग्स को भी वो प्रोमिनेंट करेगा और आपकी लेग्स को वो इलांगेटेड दिखाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अबायाज की, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स आजकल अबाया पहनती हैं, चाहे वो फैशन के लिए हो चाहे वो अपने आप को कवर करने के लिए। तो अबायाज में अगर आप शॉर्ट हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि एक तो आजकल चले हुए हैं जलाबिया जैसे अबायाज, तो जलाबिया जैसे अबायाज आप नहीं लेंगे। इसी तरह से बटरफ्लाई अबायाज आपने बिल्कुल नहीं लेने। फिर अबायाज आते हैं लेयर्स वाले, तो वो भी आपने नहीं लेने, इस तरह की वो डिजाइनिंग होती है। फिर कुछ अबायाज आजकल इस तरह आए हैं कि उनके सीने पर जो है चुनटे डाली होती हैं, तो वो अबायाज भी आप नहीं लेंगे, क्योंकि उनसे आप शॉर्ट दिखेंगे और आप थोड़ा सा हैवी दिखेंगे। जबकि आपने जो अबायास पहनने हैं उनमें आप प्रेफर करें कि एक तो वो स्ट्रेट अबायास हो और उसके अलावा वो लेयर्स में ना हो, सिंगल लेयर में हो, बेशक वो स्टाइलिश हो। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपका अबाया बहुत ही थिक बेल्ट वाला नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा खूबसूरत अबायास आए हैं जिनके बिल्कुल थिन सी बेल्ट होती है, आप वो पहने, आप उससे स्टाइलिश भी लगेंगी और आप शॉर्ट भी नहीं दिखेंगे। और उसके अलावा अबायास के कलर्स में आपने ये ध्यान रखना है कि आप डार्क कलर्स चूज करें, जैसे कि हो गया ऑलिव, हो गया मरून, हो गया ग्रे, ब्लैक, ब्लू, ये सारे कलर्स स्मार्ट दिखाने में और आपको थोड़ा सा टॉल दिखाने में बहुत हेल्प आउट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जैकेट्स वगैरह की। तो अगर आप शॉर्ट हैं तो आपने लॉन्ग जैकेट, यानी आपने देखा होगा कुछ जैकेट्स होती हैं जो कि नीज तक आ रही होती हैं या आपके थाइस तक आ रही होती हैं, ये बहुत लंबी होती हैं, वो जैकेट्स आपने नहीं पहननी। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी जैकेट मैक्सिमम आपकी वेस्ट तक आ रही हो, उससे आप, क्योंकि लंबी जैकेट आपकी टांगों को और शॉर्ट दिखाएगी, जबकि आप जब वेस्ट तक पहनेंगे तो वो आपकी टांगों को प्रोमिनेंट करेगी और आपको लंबा दिखाने में हेल्प आउट करेगी। शूज़ की अगर हम बात कर लें तो शूज़ में एक तो आपने कोशिश करनी है कि आप अगर बाहर जा रहे हैं, घर में तो आप जिस तरह के भी शूज़ पहने नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपने इंश्योर करना है कि आपकी शूज़ पॉइंटेड शूज़ हों, आगे से खुले हुए शूज़ आपने नहीं पहनने, और अगर पहनने भी हैं तो इस तरह का हो कि उनकी शेप आगे से पॉइंटेड हो। और दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि शूज़ जब आपने ख़रीदने हैं तो वो या तो न्यूड कलर्स में हो या आपकी स्किन कलर में हो। आपने क्योंकि उससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप न्यूड कलर पहनते हैं, एक तो न्यूड कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो आप ट्रेंडी तो दिखते ही हैं, उसके अलावा जब आप न्यूड कलर या अपनी स्किन से मिलते जुलते शूज़ पहनते हैं तो आपकी बॉडी का ही एक हिस्सा लगने लगते हैं। और शूज़ जितना ज़्यादा पॉइंटी और स्किन कलर का होगा और आगे को निकला होगा तो वो यूँ लगेगा जैसे कि ये पूरी आपकी बॉडी का ही एक हिस्सा है, तो इससे भी आप टॉल दिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेसरीज़ की। एक्सेसरीज़ में हम सबसे पहले आपके हैंडबैग्स देख लेते हैं। तो हैंडबैग्स आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े झोले भी आपको मार्केट में मिलते हैं, मीडियम साइज़ के भी मिलते हैं, स्मॉल साइज़ के भी मिलते हैं। तो ये आपने अपने लिए एक रूल ऑफ थंब बना लेना है कि क्योंकि आप शॉर्ट हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें आपने नहीं लेनी, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें आपको और शॉर्ट दिखाएंगी। तो इसलिए आपने बड़े बड़े झोला टाइप के बैग लेने के बजाय आप कोशिश करें कि आप मीडियम साइज़ के या स्मॉल साइज़ के पाउचेज अपने हाथ में रखें।
फिर एक और चीज़ जो आपको लंबा दिखाने में हेल्प आउट करती है वो ये है कि आप गोल इयररिंग्स कभी भी मत पहने। गोल इयररिंग्स आपके फेस को भी जो है राउंड सी लुक देते हैं, जिससे कि आपका फेस हैवी लगता है और आप थोड़ा सा फैट साइड पर नजर आते हैं। तो गोल इयररिंग्स नहीं पहने, लंबे इयररिंग्स पहने, उससे जो है आपका फेस थोड़ा सा लंबा लगता है और आप जो है थोड़ा सा टॉल दिखते हैं। और साथ में अगर आपने जो है एक्सेसरीज के नाम पर कुछ भी नहीं पहनना, तो आप नेकलेस कोशिश करें कि आपकी लंबी हो, क्योंकि अगर आप गले के साथ लगा हुआ पहनेंगे तो उससे एक तो आपकी नेक छुप जाएगी और आपका जो है फेस भी प्रोमिनेंट नहीं होगा, आपकी नेक प्रोमिनेंट नहीं होगी, आप जो है थोड़ा सा बल्की साइड पर नजर आएंगे। जबकि आप जब लंबा नेकलेस पहनेंगे तो उससे आप ट्रेंडी भी दिखेंगे, आप जो है कम उम्र भी दिखेंगे, आप जो है थोड़ा सा टॉल भी दिखेंगे और आप थोड़ा स्मार्ट भी दिखेंगे। और फिर हम बात कर लेते हैं बालों की। बाल आपकी पर्सनैलिटी को बहुत 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 चेंज कर देते हैं। अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट हैं और अगर आप बिल्कुल चिपके हुए बाल बना लेते हैं तो आप और शॉर्ट दिखेंगे, आप जो है और ज़्यादा जो है थिन दिखेंगे। जबकि आपने कोशिश करनी है कि अगर आप खुद को टॉल दिखाना चाहते हैं तो आपने अपना एक तो यहाँ पर आप हाई बन बनाने की कोशिश करें, और अगर आप हाई बन नहीं बना सकते तो आपने कोशिश करनी है कि आप यहाँ पर पूफ बनाएं। पूफ जब आप बनाते हैं आपके बाल थोड़े से खड़े होते हैं, उससे भी आपकी हाइट थोड़ी सी टॉल दिखने लगती है। आपने देखा होगा कि वो लड़के जो कि शॉर्ट होते हैं वो अपने बालों को खूब लंबा करते हैं और उसके बाद जो है स्पाइक्स की तरह उनको खड़ा कर लेते हैं, और उससे भी जो है आपको देखने में इस तरह से इंप्रेशन मिलता है जैसे कि वो काफी टॉल हैं। तो बाल आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको टॉल या शॉर्ट दिखाने में। और लास्ट टिप जो कि एक बोनस टिप है वो ये है कि हम फीमेल्स को पिक्स बनाने का बहुत शौक होता है, तो पिक्चर्स में हम कहते हैं कि यार देखो हम कितना शॉर्ट नजर आ रहे हैं। तो पिक्चर्स में आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप पिक्चर बनवाएं, आपने जो भी आपका फोटोग्राफर होगा उसको आपने कहना है कि वो नीचे से आपकी पिक्चर बनाए, ना कि सामने से बनाए, क्योंकि सामने से अक्सर शॉर्ट नजर आता है इंसान। और उसके अलावा ना ऊपर से बनाए, जब वो कोई ऊपर से आपको बनाता है या कोई टॉल बंदा आपकी पिक्चर बनाता है तो भी आप शॉर्ट लगते हैं। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा कि जब भी आप पिक्चर बनवाएं तो जिसे भी आप बनाए उसे कहें कि थोड़ा सा नीचे को झुक के वो ऊपर को आपकी पिक्चर बनाए। आप देखेंगे कि आप काफी ज्यादा अपनी हाइट में डिफरेंस फील करेंगे। तो ये तो थी आज की वीडियो। जिनको पसंद आई है वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और वो लोग जिनको पसंद नहीं आई वो आई नो कि ऑलरेडी डिसलाइक कर चुके हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला कि मेरी वीडियो खोलें और उसके बाद आप उसको डिसलाइक करें। तो आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।